हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाला है डार्क होस्टिस सेटअप के बारे में। लिटरली ये वाली वीडियो बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव होने वाली है। यहाँ पे आपको कंट्रोल सेंटर फुल चेंज देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन में भी कस्टमाइज वॉलपेपर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आती है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो यार सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना। एंड अभी तक आपने समुराई एडिशन नहीं देखा तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो। चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं इस सेटअप के सबसे पहले होम स्क्रीन के बारे में। तो यहाँ पे होम स्क्रीन को कस्टमाइज करने के लिए मैंने डिफरेंट टाइप का वॉलपेपर ऐड कर रखा है एंड यहाँ पे आपको इफेक्ट काफी कमाल का देखने को मिल जाता है। एंड इस वॉलपेपर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे जो क्लॉक विजेट देखने को मिलती है एंड इस सेटअप को आप जैसे अप्लाई करोगे आपके सामने ये वाली ओपन हो जाएगी, इसके बाद आप यहाँ पे ऐड कर लेना। एंड आइकन्स की बात करें तो आइकन्स मैंने यहाँ पे कंप्लीट येलो कलर में चेंज कर लिए एंड काफी कमाल का आपको यहाँ पे व्यू देखने को मिल जाता है। एंड जो सिस्टम आइकन्स एंड जो थर्ड पार्टी एप्स देखने को मिलते हैं वो आपको यहाँ पे फुल चेंज देखने को मिल जाता है, तो आप ट्राई कर सकते हो। एंड इस वाले सेटअप आपको डार्क मोड में इनेबल करना है। एंड आगे बात करते हैं नोटिफिकेशन पैनल के बारे में, वो आपको फुल चेंज देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो टॉप में डिफरेंट टाइप का वॉलपेपर देखने को मिलता है एंड होशी का आपको यहाँ पे लोगो देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ पे आपको जो टोंगल्स देखने को मिलता है वो भी यार फुल चेंज हो जाता है एंड कंप्लीट आपके सामने यूआई चेंज देखने को मिलते हैं। नोटिफिकेशन पैनल की बात करें वो आपको कुछ इस टाइप का यहाँ पे देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पे आपको जो टॉप में नेटवर्क बार देखने को मिलता है वो फुल चेंज हो जाता है एंड बैटरी परसेंटेज भी आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप की देखने को मिलती है। एंड आगे बात करते हैं इस सेटअप के सेटिंग के बारे में, तो उसको भी यार यहाँ पे फुल कस्टमाइज करके दिया जाता है। यहाँ पे आपको टॉप में डिफरेंट टाइप के वॉलपेपर्स देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पे आपको व्हाइट कलर की फॉन्ट देखने को मिलती है एंड आपको यहाँ पे जो आइकन्स देखने को मिलते हैं वो भी यार फुल चेंज हो जाता है एंड कंप्लीट आपके सामने लेआउट भी चेंज देखने को मिलती है। अबाउट फोन की बात करें तो अबाउट फोन भी आपको फुल चेंज देखने को मिल जाएगा एंड आप ट्राई कर सकते हो। साथ ही वॉल्यूम बार की बात करें तो आप जैसे टैप करोगे आपके सामने डिफरेंट टाइप का व्यू देखने को मिल जाएगा एंड कंप्लीट आपके सामने लेआउट चेंज देखने को मिल जाएगी। बट वॉल्यूम बार से क्रिएटिव फीचर आपको यहाँ पे डायलर यूआई देखने को मिल जाएगा। जैसे आप ओपन करोगे आपके सामने काफी कमाल का इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको वॉलपेपर तो सेम देखने को मिलेगा बट आपको यहाँ पे जो डायलर यूआई में कीपैड देखने को मिलेगा वो यार इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पे आपको सर्कल वाली शेप देखने को मिल जाएगी एंड यहाँ पे आपको फॉन्ट भी यार डिफरेंट टाइप की देखने को मिल जाती है। बट आपके स्मार्टफोन में MIUI डायलर इंस्टॉल है तो ही चेंज होगा, गूगल डायलर को ये सपोर्ट नहीं करता। एंड साथ ही अब बात कर लेते हैं इस सेटअप के सबसे क्रिएटिव फीचर के बारे में, जो इसका लॉक स्क्रीन। जैसे आप ओपन करोगे आपके सामने काफी कमाल का व्यू देखने को मिल जाएगा। इस लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज करने के लिए मैंने यहाँ पे एक्शन वाला एक होशी वाला वॉलपेपर ऐड कर रखा है जो कि यार देखने में काफी क्रिएटिव लगता है। साथ ही यहाँ पे आपको कुछ टोंगल्स देखने को मिल जाते हैं एंड जैसे आप यहाँ पे टैप करोगे तो इंटरेस्टिंग आपको व्यू देखने को मिल जाता है एंड इनको आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। एंड वॉलपेपर को कैसे आपको चेंज करना है वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है एंड इसके ऊपर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का यहाँ पे पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है लॉक स्क्रीन वॉलपेपर का एंड जैसे आप इसके ऊपर टैप करोगे यहाँ पे थीम वॉलपेपर के ऊपर ये सेट रहेगा, इसको आपको कस्टमाइज वॉलपेपर के ऊपर सेट करना है। इसके बाद आपके सामने गैलरी का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, उसके बाद ये वाला वॉलपेपर आप ऐड कर लेना। एंड दोनों वॉलपेपर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही अब बात करते हैं इस सेटअप को आपको क्रिएट कैसे करना है। तो दोनों वॉलपेपर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। एंड सबसे पहले आपको डार्क मोड इनेबल करना है। डार्क मोड इनेबल करने के बाद आपको एक थीम डाउनलोड करना पड़ेगा, उसका नाम देखने को मिल जाता है डार्क होशी V12.5 एंड यहां पे आपको ठीक से नहीं दिख रहा होगा, मैं यहां पे मेंशन कर दूंगा। एंड आपको कोई भी कस्टमाइज यहां पे नहीं करना, डायरेक्ट अप्लाई के ऊपर आपको क्लिक करना है एंड फर्स्ट वाली थीम आपको डार्क होशी V12.5 के नाम से इनेबल करनी है। उसके बाद आपको एक सेकंड वाली थीम डाउनलोड करना पड़ेगा, इसका नाम देखने को मिल जाता है मास्टर ईवो M14। ये वाली थीम मैंने पहले भी यूज कर रखी है। आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे कस्टमाइज वाले ऑप्शन में जाना है एंड इस वाली थीम को आपको लॉक स्क्रीन के लिए इनेबल करना है। साथ ही आपको एक थर्ड वाली थीम डाउनलोड करना पड़ेगा, उसका नाम देखने को मिल जाता है येलो पैटर्न एंड यहाँ पे आप जाना कस्टमाइज वाले ऑप्शन में एंड इस वाली थीम को ओनली आपको आइकन्स के लिए अप्लाई करना है एंड यहाँ पे आपको आइकन्स काफी कमाल के देखने को मिल जाते हैं। सभी थीम्स को अप्लाई करने के बाद आपको फोन को एक बार रिस्टार्ट करना है, उसके बाद ये सेटअप अप्लाई हो जाएगा। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो यार सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना। एंड अभी तक आपने नारुतो सेटअप नहीं देखा तो एंड स्क्रीन में राइट में आपको एक वीडियो दिख रही होगी, उसके ऊपर आप टैग कर सकते हो।